बनते हैं अपन. सो वी कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल फोर. हाउ मच परसेंट अबव द सीपी शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट. तो डिस्काउंट 25% दे रहे हैं हम, प्रॉफिट भी हो रहा है 20%. सीपी अपने को अभी नहीं पता, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%. कैन आई राइट एसपीएस 120? नाउ डिस्काउंट कितने का है? 25% का, राइट? एंड वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्केट प्राइस को अगर मैंने मान लिया x, डिस्काउंट 25% है. तो कैन आई से x माइनस 25% ऑफ x विल बी माई सेलिंग प्राइस. दैट इज x माइनस 25x अपॉन 100. दैट इज 3x बाई 4. Now, 3x by 4, can I equate with 120? We have equated. Now, from here, we can easily say that my x is 160. What is my x? X is my market price. So, what was my cost price? What is my market price? So, मैंने how much percent above the CP? So, CP 100 है, market price 160 है, कितना ऊंचा कीमत लगा दिया पहले ही 60 परसेंटेज के लिए अपॉन CP into 100. तो आपने देखो ऑलरेडी मार्केट प्राइस को बढ़ा दिया था 60% से, फिर उस पर डिस्काउंट दे रहे हो. 100 रुपया का चीज पहले 160 लिख दिया हमने, फिर 25% डिस्काउंट का टैग लगा दिया. अपन एज ए कस्टमर खुश, 25% का डिस्काउंट चल रहा है, चलो उसने पहले स्मार्टनेस कर दी, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन नुकसान करके काम है. एक दुकानदार ने आपको 2 डिस्काउंट टैग लगाकर दिखा दिया, मतलब आप आइए हमारे पास, यू विल गेट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%. बहुत सारे लोग क्या सोचेगा कि 100 रुपया का अगर चीज है, 20 और 10 30, 10 जोड़ेगा बोलेगा 20% का डिस्काउंट, और वो बोलेगा 100 की चीज मुझे कितने में मिली, 70 में. लेकिन वो दुकानदार का टैगलाइन भूल जाता है कि उसने 30% नहीं बोला, उसने 20 and 10 बोला. जैसे बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ रहता है 50% and 50%. अब आन्या दुकान में गई, आन्या ने सोचा 100% का डिस्काउंट, बोला चलो दुकान में जाए, जारा का जैकेट पसंद आया है जिसकी कीमत है 5,000, लेकिन दुकानदार ने डिस्काउंट में रखा है 100%, यानी कि जाना है और माल लेकर वापस. जब वो आने लगी तब जारा के सेल्स पर्सन ने बताया, मैम 5,000 का पहले आप 50% निकालिए, राइट, तो जो कि होगा 2,500. फिर बोलेगा मैम 5,000 में से पहले 2,500 माइनस करिए, कितना बचा, अब इसका 50% निकालिए फिर से. तो अगेन 50 upon 100 into 2,500 आपको दिया 1,250. तो जो जैकेट की एमआरपी 5,000 थी, दिखने में 100% लग रहा था, लेकिन हकीकत में अभी भी आपको कितना कीमत देकर आना है,
1250। ऐसे एक कंपनी थी कुटुंब्स, बहुत पहले वो ऐसा ही डिस्काउंट लगाता था 90%, 10%, और एक छोटी सी टी शर्ट होती थी पतली सी, एमआरपी 10,000। लोग खुश, बोला वाओ, और जिसको समझ में आ जाता था ना वो भी खुश, बोला 10,000 का पहले 90% माइनस करो। 10,000 का 90% माइनस करते तो 1,000 रुपया बचता, फिर 1,000 का 10% माइनस करते तो उस टी शर्ट की कीमत आपको जो देनी है वो 900, और वो टी शर्ट एक्चुअल में 200 रुपये का भी नहीं होता। तो ये है गुमराह करने का तरीका, इसको आप ऐड नहीं करोगे, एक एक करके निकालो। तो जैसे आपसे बोल रहा है कि एक सिंगल डिस्काउंट अगर मुझे देना है इन दोनों की जगह तो वो कितना का दोगे, राइट? तो मैंने 100 रुपीज की एक चीज खरीदी, पहले 20% उसका निकालेंगे तो 20% कटने के बाद 80 बचेगा, फिर उसका 10% निकालेंगे तो 8, तो 100 रुपया की चीज आप कितने में दे रहे हो, तो आपने कितने रुपया का डिस्काउंट दिया। तो अगर मुझे एक ही डिस्काउंट इन दोनों के बराबर देना है तो मैं टैग कितने का लगाऊंगा डिस्काउंट का। ये है गुमराह करने का तरीका, दिखने में जो 30 था वो एक्चुअल में 28, दिखने में जो 100 है वो इनडायरेक्टली 75। क्लियर? तो 28 रुपीज है ना। अरे बच्चा, हमने 100 रुपया माना ना अगर, यस सर, तो आफ्टर दोनों डिस्काउंट वो चीज आपको कितने में मिल रही है, 72। तो जो 100 रुपीज का चीज था अगर मुझे एक ही डिस्काउंट देना है इन दोनों के जो बराबर हो तो कितना माइनस करूंगा, वो इनडायरेक्टली 20 और 10 का बराबर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. This is all about your selling price and टीवी खरीदा 36,500 में और उसमें टैक्स से 8% का, तो जो कीमत 36,500 है, और ऑब्वियसली ऐसे बड़े चीजों की बिल देनी चाहिए, अगर आपका खराब हो जाता है वारंटी पीरियड में तो उसको पूरा रिप्लेसमेंट मिलता है। इसलिए अपन जब टीवी, महंगा मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, एसी, वी ऑलवेज गो फॉर द बिल। तो अगर इसका जैसे 8% इस पे टैक्स है तो पहले 8% निकाल, तो जैसे 8% निकालने पर ये आया, सपोज आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट इट 2920, तो जो चीज 36,500 का था उसमें हमने ये वाला टैक्स दिया और अब वो टीवी हो गया इतने का, और अपन देते हैं और देना भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ग्रे मार्केट बोल के एक मार्केट है, अगर आप उसमें ये टीवी लेने जाते हो तो हो सकता है 36,500 का दुकानदार जो दे रहा था वो आपको 27,000 तक मिल जाए। तो जहां आप 39,000 पे करके आ रहे हो वही चीज आपको 27,000 में मिल जाता, लेकिन बिल नहीं मिलेगा, यानी कि आप घर लाए और दूसरे दिन ही टीवी में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो जो प्रॉब्लम आया उसका पूरा खर्चा मिलेगा, टीवी रिप्लेस आप करा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं। That was example number first. Example two. आप एक एयर कूलर खरीदे हो इंक्लूडिंग वैट बता दिया इस बार, यानी कि जो 5,400 रुपया में पे करके आया हूं इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है, यानी कि डेफिनेटली है कि जो उसका मार्केट प्राइस होगा वो कम होगा। सो लेट द प्राइस टैग गिवन ऑन दैट कूलर बी एक्स
उसमें आपने टैक्स दे रहे हो 8%, तब जाकर उस कूलर की कीमत है। आई होप नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस वेरी फास्ट। ये हो गया 9x, 100 उधर, 600 तो उस कूलर की कीमत, सॉरी वी डिड समथिंग मिस्टेक आई थिंक, सो जस्ट वेट। x plus 8% of 8% of x मतलब कितनी दे रही है, 5400। तो वो 1 0 होएगा, 9 नहीं होएगा। हाँ हाँ, there was an past add। नहीं सर, आपने last time, कोई बात नहीं, ये आंसर आ गया, ये लो। तो किलर की कीमत बिफोर टैक्स कितने की है, 5000 की, इंक्लूडिंग बोलेगा या एक्सक्लूडिंग बोलेगा, और अपन ने डिस्काउंट कर लिया, परसेंटेज कर लिया, तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान लगेगा। तीसरा एग्जांपल है कि आपने कलर टीवी खरीदा 26,880 इंक्लूडिंग वैट, और उसका ओरिजिनल कीमत था 24,000। तो 24,000 की टीवी आपने टैक्स के बाद कितने का मिला, तो पहले ये देख लेते हैं कि कितना टैक्स हमने दिया, और वो टैक्स हमारे पास आया 2880। अब हमें बताना है परसेंटेज में, तो टैक्स अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, 3 0 से 3, 12%। अब जो हिंदुस्तान में चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया, पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स होता था, जैसे अभी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर नहीं है, तो दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में अगर आप पेट्रोल की और डीजल की प्राइस चेक करोगे, आपको अंतर 5 रुपया तक मिलता है। इसलिए जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिनका रोज ट्रक में डीजल बहुत ज्यादा डलता है, वो क्या करते हैं, जयपुर बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर के बाद सपोज हरियाणा बॉर्डर चालू हो गया, वहां पर 5 रुपया कम, और आप एक बार ट्रक का, एक ट्रक को अगर फिल करते हैं सपोज 100 लीटर, 80 लीटर डला, ऐसे एक ट्रांसपोर्टर के पास अगर 50 ट्रक रोज चल रहा है, तो वो राजस्थान में नहीं भराता, ये राजस्थान को लॉस होता, क्योंकि अभी तक पेट्रोल डीजल को इन्होंने जीएसटी में नहीं इंक्लूड किया। अदरवाइज जितने चीजें जीएसटी में इंक्लूड है, अब वो हिंदुस्तान में आप कहीं से भी खरीदो, उसका टैक्स स्लैब बराबर का लगेगा, वो अब है, पहले वैट था। दिस वॉज एग्जाम्पल 3rd, and all the questions of exercise 10C are very simple because we have done so many things in this. Time hai 2 years, interest hai 8% compounded annually. और आपसे पूछ रहा है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दोगे 2 साल के बाद, और हम इस क्वेश्चन को अभी सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से करने जा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से जब हम करेंगे, तो हम टाइम 1 ईयर ले लेके चलेंगे, एक एक साल के, दैट इज प्रिंसिपल पता है 20,000, टाइम ऑलवेज 1 लेंगे, यहाँ रेट है 8% अपॉन 100, 20, कितने का ब्याज आया आफ्टर 1 ईयर, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 1600। नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, 2 साल है ना अभी, तो जो प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए, वो क्या होगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 20,000 प्लस, तो नया प्रिंसिपल कितना आ गया, अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं
फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल में चेंज आ गया, टाइम वही, रेट वही, नाउ 216 × 8 करेंगे तो वो आया राइट तो टोटल 2 साल में हमने कितना ब्याज दिया, दोनों एसआई को जोड़ दे तो कितना होगा, कैन आई राइट 7 33 33 28। तो जो प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपया था, 2 साल के बाद आप जो अमाउंट उसको चुकाने वाले हो, दैट इज अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, कैन आई से 20,000 प्लस द टोटल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, दैट इज 3328। तो आप जो अमाउंट उसको चुकाने जाओगे, दैट विल बी हाउ मच,